हाय फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मोदी केयर के इवेंट से वापस और आज है हम लोग हैप्पी ज्योतिप के घर पे और आज हो रही है यहाँ पर पार्टी। ये है हमारी मम्मी, ये है आंटी। हेलो आंटी, आप कुछ बोलना चाहोगे? बहुत मजा आ रहा है सबको, पार्टी कर रहे पार्टी दे रही है आंटी हमको, पार्टी दे रही है। आप भी आ जाओ सब जन, बहुत मजा आ रहा है। ये देखो आंटी रूम का गार्डन कितना बड़ा है और यहाँ आकर हम लोग को बाहर ही बैठना पसंद है और इनके यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं सब बाहर ही बैठते हैं, बहुत मजा आता है। हाँ जी, बताओ कैसा रहा आपका फंक्शन मोदी केयर का? यही है जो थी वहाँ पर साड़ी में और होस्टिंग कर रही थी, जो सीनियर डायरेक्टर है हमारी फैमिली में से, हमारी फैमिली में से यही है जो मोदी केयर के सीनियर डायरेक्टर हैं। इनके कारण हम सब जुड़े हैं और दुर्ग में जितने भी लोग जुड़े वो इनके कारण ही जुड़े हैं मोदी केयर में। तो बताओ कैसा लगा आपका फंक्शन में? बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप सब भी इस अपॉर्चुनिटी को समझिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है। बाकी अब हम सब साथ में, फैमिली टाइम चल रहा है, वी आर एंजॉइंग डिनर अलॉट, थैंक यू सो मच। यस, और ज्यादा बना ली ब्लॉग पहले बन गया। सबका लिबड़ता है, डोंट वरी, सबका लिबड़ता है। So I feel very shy while eating my Subway. Please don't put camera on towards me. Yeah, हम लोग जो है ना, हमारे व्लॉग नेचुरल रहते हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड ही रहते हैं, जो जो यहाँ होता है हम सब दिखाते हैं। और आंटी ने यहाँ पे स्पून से अपना सब्वे फिनिश किया। वेरी टैलेंटेड आंटी, असली है ना आंटी, आप ऐसे ही खाते हो सब्वे। चलो कौन कौन गेम्स खेलेगा? प्रीति दीदी गेम खेलोगे? देखे मैंने वीडियो, गुपचुप गुपचुप वाला कौन कौन देखा? मैं तूने देखा? अच्छा बताओ कौन जीता था गुपचुप में? गलत जवाब, और कोई। तो तूने देखा क्या वीडियो में? अच्छा बताओ मेरे साथ कौन खेल रहा था? अच्छा तुम लोगों को पता है अच्छे गणेश जी कहाँ बैठे हैं? सबसे सुंदर, सबसे बड़े, सबसे बड़े हमने देखे। कौन से? ट्यूशन के पास। हम लोग तो गणेश जी देखने जा रहे हैं सब जगह, पूरे दुर्ग के। हम लोग ठीक है, कल व्लॉग में देखना है गणेश जी वाले। ना सुंदर सेटअप, ना सुंदर पंडाल, और इतने सुंदर गणेश जी की मूर्ति। सर्वत्र
वाओ ना, तू आपने बैलून लिया किसके लिए? हाँ अपने लिए, अपने लिए। अभी शहर में पहली बार पहली मरतबा सस्ता सुंदर हर माल का 10 यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा मेला और बहुत बड़ा पंडाल लगा है दोनों जगह अभी तक जहाँ गए हैं। और हम दोनों हैं सेक्टर एरिया में भिलाई के, कौन सा सेक्टर है? 10। सेक्टर 10। और जो पहले वाला था वो सेक्टर 1 था जहाँ पहले गए थे पिंक पंडाल, और ये सेक्टर 10 है। एक सिविक सेंटर के इस तरफ, एक सिविक सेंटर के उस तरफ है। और बहुत अच्छा मेला लगा क्योंकि कोविड था, तो कोविड के कारण हम लोग कब से, मैं तो भूल ही चुकी थी कि मेला क्या होता है, बट इतने टाइम बाद मेले में आए तो इतना अच्छा लग रहा है कि वाह। झूला झूलने का मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन अभी नहीं जाएंगे झूले में, जहाँ ने झूले हम लोग थोड़ा घूम रहे, खा पी रहे हैं और दर्शन करके निकल रहे हैं बस पंडाल से। और है यहाँ पे कोई बड़ा पंडाल? दुर्ग का देखो ना, दुर्ग का इतना क्यूट लग रहा है, एकदम वो चला रहा है पोज में। मम्मी जी टारगेट करते हुए अपना फेवरेट आइटम देख के मम्मी डाल रहे हो। चलो ओके ना, 7 हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए, 12 पूजनी टोटल पे है। 17 में क्या है, यही होता है। हाँ भैया, ये आप लोग का ना, बस यही है भैया। अच्छा ये नहीं चाहिए तो कुछ और दोगे? ये नहीं चाहिए तो नंबर में लगता है। सो ओवरऑल ये पंडाल में बहुत मजा आया है, सब कुछ इंजॉय किए, झूले वगैरह बहुत है, स्नैक्स बहुत है, शॉप्स है अच्छी अच्छी छोटी छोटी, सब मतलब एक इवनिंग यहाँ पे स्पेंड करने में मजा आया। पर पानी के कारण बहुत कीचड़ था, देखो हर जगह नीचे कीचड़, बहुत उस चीज से बहुत इरिटेशन हो रही है, जहान भी बहुत रो रहा है उसके लिए। बाकी ठीक है, अच्छा है पंडाल और भोज पाट बहुत बहुत सुंदर है। ये वाला तो एरोप्लेन अभी का है, ठीक है। और बाकी किसके लिए? जशन के लिए और मायरा के लिए और सम्राट के लिए भी, सब के लिए।